यो गुड आफ्टरनून, मैं आज काठमांडू में हूँ, नेपाल का कैपिटल। मैं इंडिया से इधर आया था कल। तुमको कुछ डाउट्स होंगे शायद, इधर का करेंसी क्या है और इधर का सिम कार्ड वो क्या है। नेपाल काठमांडू के सेंटर में है ये। इधर होटल मैंने कैसे बुक किया वो सब डिटेल्स बोलूँगा मैं। तो इधर एक बार काठमांडू के एरिया को इधर देख सकते हैं। नॉर्मल इंडियन सिटीज़ वैसा ही है। तो इधर देखेंगे, इधर काठमांडू एरिया में क्या है वो सब देखेंगे। मेरा सिम काम नहीं कर रहा था इंडिया का, तो मैं तो दूसरा एयरपोर्ट में एक सिम ले लिया था 350 रुपीज़ को। कुछ 7 डेज सिम वैसा दिया था इधर को। तो इधर इंडियन करेंसी चलता है नेपाल में। मेरा इधर कुछ नारो तो इधर 500 रुपीज़ नोट्स भी चलते हैं। और नेपाल करेंसी डिफरेंट है पर इंडियन करेंसी इधर चलता है। काठमांडू में क्या है इधर देखेंगे। और मैंने ये होटल बुकिंग काठमांडू में booking.com से किया था, बहुत बेस्ट वे है। तो इधर समर का मौसम चल रहा है, बहुत हॉट है वेदर। इंडिया से आए तो बिना पासपोर्ट से भी इधर नेपाल को आ सकते हैं। एक अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड इधर दिखाए तो अलाउ कर देते हैं इधर अंदर आने के लिए। नेपाल में थोड़ा कमी है टेम्परेचर, 23 डिग्रीज वैसे चल रहा है इधर। कुछ बाइक्स सेल वो सब है इधर। इधर काठमांडू का एरिया थोड़ा देखने के लिए आया था, डायरेक्ट दिल्ली से आया था। अभी तक मैं बोल सकता हूँ बहुत प्लेजेंट था मौसम वो सब, कुछ बारिश नहीं गिरा था। देखेंगे थोड़ा ये एरिया वो सब। अब तक तो उतना इंटरेस्टिंग प्लेसेस कोई भी नहीं दिखा, पर ये काठमांडू का एरिया को थोड़ा घूमेंगे देखेंगे। इधर पूरा एरिया व्हीकल से भर गया आज। और एक क्वेश्चन भी आता है कि इधर नेपाल में कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हिंदी में भी बात करते हैं लोग इधर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर हिंदी में इजीली बात कर सकते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बोले तो एक ये इंडिया का दूसरा पार्ट वैसा ही है। ये सब लोग भी बहुत फ्रेंडली है इधर। इधर नेपाल में एनसेल एक सिम है वो लिया था। यही वो है शायद बुद्धा स्टैचू, ये इधर देख सकते हैं। और एक बुद्धा स्तूप है ये, अच्छा ही है। इधर नेपाल में ज़्यादा बुद्धिज़्म ही है, तो बुद्धा का स्टैचूज बहुत है इधर। इधर पोल्यूशन भी थोड़ा ज़्यादा ही है। अंदर चले जा रहा, एक्चुअली ये हिमालय के पास है तो थोड़ा ठंडा ही रहना है मौसम, पर थोड़ा ये समर की मौसम की वजह से थोड़ा अच्छा ही वेदर है इधर। तो इधर उधर अच्छा रहता है इधर नेपाल में काठमांडू में। इधर नेपाल काठमांडू का इधर जंक्शन देख सकते हैं। काठमांडू का एरिया को एक बार देख सकते हैं, डूमर्स एरिया में। एक इधर बुद्धा स्तूपा है, उधर जाएंगे देखेंगे। देख सकते हैं एक बार इधर काठमांडू एरिया को। तो थोड़ा ये सिटी ऐसा ही दिखता है, तो देखेंगे इधर कुछ। तो इधर कुछ आफ्टरनून का टाइम वैसा हो रहा है इधर। तो मैं कल रात वैसा इधर आया था, कल रात इधर थोड़ा लाइट डिनर करके सो लिया था कल रात। तो आज ही मेरा फर्स्ट दिन है इधर बाहर घूमने का। इधर सामने थोड़ा बहुत दूर में कुछ हिमालयस वैसा दिख रहा है मुझे। तो इधर सामने थोड़ा फुटपाथ नहीं है, थोड़ा तो मुश्किल है इधर जाने का। इधर जाएंगे, पूरा नेपाल का एरिया देख सकते हैं।
वो बस तो बहुत नज़दीक से चला गया था। नेपाल में बहुत ठंडा रहता है मौसम, ये समर में ऐसा गर्मी गर्मी हो गया, तो इसी वजह से इधर इधर जो लोग रहते हैं वो बेयर नहीं कर पाते हैं उतना गर्मी को भी। ये काठमांडू का मेन एरिया है ये, इधर अब लोग भी बहुत कम है ये टाइम में, क्योंकि बहुत सनी वेदर है। अब इवनिंग्स में ज़्यादा लोग बाहर आते हैं इधर, पोल्यूशन तो ज़्यादा ही है बस का और व्हीकल्स का पोल्यूशन। इंडिया से नेपाल को आने के लिए बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजीली इधर आ सकते हैं, कुछ आधार वो सब बहुत इजी प्रोसेस रहता है। मेनली नेपाल को फॉरेन से लोग माउंट एवरेस्ट के लिए आते हैं इधर, वो बहुत नेपाल के बॉर्डर में रहता है वो। फॉरेनर्स के पीछे छोटे छोटे बच्चे कुछ मांग रहे थे। कॉलेज ऑफ बुद्धिज्म, डैम, इधर कॉलेज ऑफ बुद्धिज्म भी है। एक रिलीजन का कॉलेज कभी भी नहीं देखा मैं। कुछ जूस वैसा पीने के लिए देख रहा था पर इधर कुछ भी नहीं मिला मुझे। इधर पूरा क्लोथिंग शॉप्स है इधर काठमांडू के एरिया में। इधर से एंटर करना पड़ेगा तो इधर से हम वो एक नज़दीक में बुद्धा स्टैचू है उधर जाएंगे। अभी अभी वो बुद्धा स्टैचू के पास जा रहे हैं, इधर देखेंगे बुद्धा स्टैचू के पास जा रहे हैं। वो बहुत फेमस है इधर काठमांडू में। बराबर देख सकते हैं अभी अभी ये पूरा लोकेशन देख सकते हैं बुद्धा स्टैचू के पास। इधर बहुत लोग भी आए हैं इधर। कुछ इसमें परफॉर्म कर रहे कर सकते हैं। तो बहुत होली प्लेस है इधर बुद्धिज्म के लिए। इधर देख सकते हैं कर सकते हैं अंदर एक तो अंदर एक लेडी था वो रिकॉर्ड नहीं करना वैसे बोल रहा था, पर देखेंगे। इधर एक बार देख सकते हैं वो बुद्धा स्टैचू काठमांडू का, बहुत बहुत फेमस है वो इधर काठमांडू एरिया का। तो पीजन्स भी बहुत सारे हैं इधर। इधर देख सकते हैं पूरा बुद्धिज़्म का शॉप्स है इधर, बुद्धा स्टैचूस वो सब है इधर। तो एक छोटा ब्लॉग जैसा था, तो बाद में मिलेंगे, बाय।